दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 15 जनवरी 2020 को वेब सीरीज तांडव रिलीज हो चुकी है, जो इन दिनों काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वेब सीरीज में अभिनेता सैफ अली खान, डिंपल कबाड़िया और मोहम्मद जिशान अयूब मेन लीड में दिखाई दे रहे हैं। इस वेब सीरीज में एक साथ दो कहानियों को दिखाया गया है, जहां एक तरफ पॉलिटिशियंस के तिगड़म को दिखाया है तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के कैंपस स्टेज पर महादेव और राम के बीच बातचीत को दर्शाया गया है, जहां भगवान शिव के बारे में कुछ गलत कहा गया है और इसी सीन को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। इसे देख दर्शक काफी आलोचना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ दर्शकों ने तो इस वेब सीरीज को देखने के बाद ये तक कह दिया कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर धर्म के नाम पर दंगे कराना चाहता है। वही अब आम लोगों के साथ साथ टीवी के कई बड़े कलाकारों ने भी इस वेब सीरीज को देखकर अपना रिएक्शन दिया है। उन्हीं में से एक है सीरियल मधुबाला एक इश्क एक जुनून में मेन लीड रोल में नजर आए अभिनेता विवियन डिसेना, जिन्होंने इस वेब सीरीज को देखने के बाद कुछ ऐसा कह दिया जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या कहा? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही अपने फेवरेट अभिनेता विवियन डिसेना के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई फिल्म है तांडव, जिसमें हमें बॉलीवुड के कई मल्टी टैलेंटेड स्टार्स अभिनय करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस वेब सीरीज में एक साथ दो कहानियों को दिखाया गया है, जहां एक तरफ राजनीतिक मुद्दों के बारे में बताया गया है तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज कैंपस के स्टेज पर भगवान शिव और राम के बीच बातचीत को दिखाया गया है। जहां इस वेब सीरीज के राजनीतिक मुद्दे वाले सीन को देखकर कुछ दर्शकों ने काफी अच्छे कमेंट्स किए हैं तो वहीं राम और महादेव के सीन को लेकर कुछ लोगों ने बहुत ही गलत कमेंट्स किए हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो इस वेब सीरीज को बायकॉट करने की मांग तक कर डाली है। वही अब आम लोगों के साथ साथ टीवी के कई फेमस सितारों ने भी इस वेब सीरीज को देखने के बाद अपना रिएक्शन दिया है। उन्हीं में से एक है अभिनेता विवियन डिसेना, जिन्होंने इस वेब सीरीज को देखने के बाद कहा कि यह वेब सीरीज बिल्कुल बकवास है, इसमें देखने लायक कुछ दिखाया ही नहीं गया, उल्टा लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया गया है। और इन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म के शिव को कोट पैंट की ड्रेस में दिखाकर लोगों को क्या बताना चाहते हो? क्या हम अपनी संस्कृति भूल जाएं और हम तन और मन दोनों से मॉडर्न बन जाएं? तो दोस्तों, तांडव वेब सीरीज को देखने के बाद आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।